पैसों का नुकसान कैसे कैसे? सोशल मीडिया पे मैंने स्टॉक के बारे में सुना कि सस्ता शेयर खरीद तो आगे चलकर उसकी महंगी कीमत होगी, लेकिन वो शेयर दो दिन में ही बाजार से गायब हो गया। एक दोस्त ने कहा कि उसकी कंपनी में एक बार मोटा पैसा लगाने से आगे चलकर उसकी महंगी कीमत होगी, लेकिन वो दोस्त और उसकी कंपनी दोनों ही गायब हो गए। एक रिश्तेदार ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन मेरी जरूरत के समय वो कहता है कि उसके पास मेरा कोई पैसा नहीं है। टीवी पर सस्ती जमीन के विज्ञापन के बारे में सुना तो मैंने वो जमीन खरीद ली और घर बनवा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद सरकारी बुलडोजर ने वो घर ही गिरा दिया। दोस्त, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसे नुकसान से बचने के लिए तुम्हें कुछ बातें जानना जरूरी है। कोई भी सफर शेयर खरीदने से पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करें, चार्ट पैटर्न चेक करें, और ये भी चेक करें कि कंपनी पे कोई केस तो नहीं। पैसा डबल करने वाली स्कीम में पैसे जमा करने से पहले ये सोचिए कि वो पैसा डबल क्यों कर दिया और कैसे कर दिया, कोई स्कैम तो नहीं। सस्ती जमीन खरीदने से पहले चेक करें क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं, और पूछे वो जमीन इतनी सस्ती क्यों है। किसी को भी पैसा उधार देने से पहले शपथ पत्र पर साइन करवा ले या कोई ब्लैंक चेक ले ले, जिससे कि पैसा वापस ना मिलने पर आप उस पर केस भी कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट, टीवी, अखबार के विज्ञापन या किसी कई सारी बातों पर अंधविश्वास ना करें। जागरूक बने और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सारी जांच खुद करें, क्योंकि सक्षम निवेशक ही समझदार निवेशक होता है। थैंक यू।